वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बीच मंगलवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बाल पुष्टाहार का वितरण होगा। पहले चरण में लगभग प्रदेश के 30% पुष्टाहार वितरण का काम स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। इसमें करीब 7.20 लाख महिलाओं को सीधे रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह से स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं से बातचीत करने के साथ ही एमओयू का हिस्सा बनने के लिए उनको बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसन्नता जताते हुए कहा कि यह सचमुच एक क्रांतिकारी कदम तथा ऐतिहासिक क्षण है। ये एमओयू इस बात को साबित करता है कि शासन की योजनाओं को जरूरतमंदों तक पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने में महिला स्वयंसेवी समूहों की बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 18 जनपदों के 204 विकास खंड आज इस एमओयू के साथ जुड़ रहे हैं। हमारा प्रयास प्रदेश के 825 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाने का है। जब महिलाओं से संबंधित मुद्दों को महिलाएं स्वयं उठाकर जरूरत के हिसाब से पोषाहार पहुंचाने का कार्य करेंगी तो शिकायतें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि 3000 से अधिक स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी बहनें इसका लाभ प्राप्त करेंगी। इससे प्रत्येक को 240 दिनों का रोजगार सृजन होगा और प्रतिमाह 5 से 7 हजार अर्जित किए जा सकते हैं। गोरखपुर के NIC हाल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजय पांडेयन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। हमारे 18 जिलों के 204 विकास खंडों के जो सेंट्रल ग्रुप की महिलाएं हैं, इनके द्वारा 204 माइक्रो एंटरप्राइजेस बनाए गए हैं। इनको एक कंपनी के रूप में रजिस्टर किया गया है और ये माइक्रो एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लाइसेंस मिले रहे हैं और ये जो ICDS में आपूर्ति की जाती है सामग्री उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगी सर, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसको उस ICDS सेंटर तक भी पहुंचाने का काम करेगी सर। इससे जहां इनको लगभग 4000 महिलाओं को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है सर, कई सेंट्रल ग्रुप करीब 24000 सेंट्रल ग्रुप की महिलाएं हैं जो इसमें आएंगी सर। एक ब्लॉक में अगर 100 सेंट्रल ग्रुप की महिलाएं हैं सर, तो वहां से महिलाएं छूटती हैं और इस माइक्रो एंटरप्राइज में आती हैं सर। इनको रोटेट करने की भी व्यवस्था बनाई जा रही है और ये 1200 करोड़ का बिजनेस होगा सर 18 जिलों में सर, अगर ये काम करती है तो। अगर ये सक्सेसफुली बिजनेस में प्रयोग किया जाता है तो लगभग 160 करोड़ का प्रॉफिट हर साल होगा इसमें सर। ये 10 रुपये जो आज की तारीख में 10 रुपये प्रति किलो रेट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया गया है। इसका हासिल ये सर कि 18 जिलों हम 160 करोड़ का प्रॉफिट इन महिलाओं के बीच में, महिला समूह के जो लोग हैं उनके बीच में वितरित कर सकते हैं। ये दूसरी तरफ से जहाँ अच्छी क्वालिटी का दलिया या जो भी ICDS का देखो राशन है वो वहाँ पहुँचाने में मदद करेगा। आप जानते हैं कि इसमें पूरे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं था, इस पर नहीं था, इसीलिए ये इवेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कंट्री डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किया गया और सर उन्होंने इसके लिए सहमति दी। इस बात के लिए उन्होंने केरला और राजस्थान में जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आज जो हमारे साथ एमओयू हो रहा है सर, उसमें इसके जो योगदान है सर वैसे हैं कि ये पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने खर्चे से दो टॉपों में प्लांट भी लगा रहे हैं सर। एक ये एक का योगदान होगा सर। हमारे जो 204 साइट से सर वहाँ पे इस पूरे 204 ब्लॉक की परियोजना को लागू करने के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो ये सर कि 4-5 स्पेशलाइज्ड ग्रुप बनाए हैं, 4 जो भी उनका डेली एक्टिविटीज है उसको महिलाओं के साथ लग के और चलाए चलाने की जिम्मेदारी होगी। इसी बीच हमारे लोग उसके लिए टेक्निकली सक्षम हो जाए ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई है सर। इस आखिर में ये बिना एड्रेस वर्ड के और स्थान पर भी बना सके और उस तरह का मैन पावर इसराइल से अपॉइंट करके और पेमेंट करने की अनुमति दें। जैसा आपने देखा है कि ग्रुप में बल्दी में सोसाइटी के लिए जो ग्रुप बनाया गया है तो ये
कितने लोग हैं आप लोगों के इस जो है
जी सर, सभी लोग मिलकर काम कर सकती है। हाँ सर, सिलाई की है सर, सिलाई सेंटर खोले हैं समस्तपुर मोहल्ला में। प्रशिक्षण का शासन करवाएगा और प्रशिक्षण करवाने के बाद इसमें जब आप लोगों को जानकारी हो जाएगी कि क्या क्या कार्य होना है, मान क्या है, प्रकार से दलिया बनाना है, क्या क्या चीजें आपको बनानी है, तो इस रूप आप लोग बनाने में सफल हो जाएंगे। उन्नाव से संबंधित है प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मध्य में एक एमओयू साइन हुआ है। यह सचमुच एक क्रांतिकारी कदम है और ऐतिहासिक कदम है। हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है कि मात्र 204 विकास खंडों में यदि ये कार्यक्रम हम चलाएंगे और एक वर्ष में 1200 करोड़ रुपए एक बड़ी पूंजी इन लोगों के बीच रहेगी, जिसके माध्यम से पोषाहार का वितरण इनको ग्रामीण क्षेत्र के 204 विकास खंडों तक जरूरतमंद महिलाओं तक और बच्चों तक पहुंचाना है। यानी एक वर्ष में 1200 करोड़ और अब तक 25 वर्षों में मात्र 600 करोड़ भी ही इनको मिल पाया था। अब मान कर सकते हैं कितना परिवर्तन होने जा रहा है। ये व्यापक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के विजन का परिणाम है और उस विजन को एक मिशन के रूप में लेकर के हम लोग व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। अक्सर हम लोग बाल विकास पुष्टाहार के कार्यक्रम में तमाम प्रकार की शिकायतें सुनते रहे हैं, लेकिन यह कार्यक्रम हम लोगों को यह एमओयू इस बात का साबित करता है कि शासन की योजना को जरूरतमंदों तक कोई पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए महिला स्वयंसेवी समूह की बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है।